गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बटर गार्लिक प्रॉन, जिसका कुकिंग टाइम है ओनली 7 मिनट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बटर गार्लिक प्रॉन के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम्स ऑफ प्रॉन पील्ड विथ टेल्स एंड हेड ऑन, 3 टेबलस्पून ऑफ सॉल्टेड बटर, 2 टेबलस्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कॉर्न फ्लावर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। फॉर कुकिंग पहले हम एक पैन में 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल लेंगे और उसके ऊपर जाएगा 3 टेबलस्पून ऑफ बटर। वी डोंट वांट आवर बटर टू गेट बर्नड, सो दैट वी यूज वेजिटेबल ऑयल फर्स्ट। देन ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ फाइनली चॉप गार्लिक। गार्लिक जितनी बारीकी से चॉप्ड होगा, प्रॉन का फ्लेवर भी उतनी अच्छे से खिलेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम्स ऑफ प्रॉन। ऐड 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि बटर में पहले से ही सॉल्ट है तो सॉल्ट हमें थोड़ा कम ही करके डालना है। नाउ ऐड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स इट वेल एंड कुक इट फॉर 1 मिनट इन मीडियम टू लो फ्लेम। प्रॉन जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, इसीलिए हमें पूरा प्रिपरेशन गैस को मीडियम टू लो फ्लेम में रख के करना है। नाउ ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड 2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स इट वेल। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑफ पानी ऐड करेंगे और इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रहे हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके ही रखना है, नहीं तो हमारा प्रॉन हार्ड हो जाएगा। After 2 minutes, add 1 tablespoon of lemon juice and to thicken the gravy, हम 1/2 teaspoon corn flour and 2 tablespoon water mix करके इसमें डाल देंगे। Now mix it well and cook it for 2 minutes more. And your easy breezy butter garlic prawn is ready. Hope you guys have seen my previous recipes. If not, then go and check it out. If you like my recipes or you wanna suggest anything about it, then comment below. Do like, share and subscribe guys.